नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम स्टडी में। आज हम करंट अफेयर्स से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, न्यू इंडिया 8/75 या इसे अभिनव भारत 8/75 भी कहा जा सकता है। यह नीति आयोग द्वारा जारी एक दस्तावेज है जिसके तहत अगले 5 वर्षों में निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किया जाना है। 2023 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन का बनाना इसका लक्ष्य रखा गया है। नीति आयोग ने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इन्हें 4 भागों में बांटा है। पहला है ड्राइवर्स या चालक, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा, तीसरा है इंक्लूजन या समावेशन, चौथा है गवर्नेंस। तो आइए इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो हमारा पहला भाग है ड्राइवर्स या चालक। इसके तहत 2018 से 2023 के बीच जीडीपी ग्रोथ रेट को 8% तक ले जाना है। निवेश दर को, जो वर्तमान में 29% है, को 2023 तक 36% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने तथा सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य भी रखा गया है। साथ ही साथ रोजगार बढ़ाने हेतु श्रम कानूनों में बदलाव लाने की भी बात कही गई है। दूसरा भाग है इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी ढांचा। इसके तहत रेल विकास प्राधिकरण की स्थापना में तेजी लाई जाएगी, तटीय जहाजरानी का विकास तथा अंतर्देशीय जलमार्गों का सुदृढ़ीकरण भी किया जाएगा। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को अपनाया जाएगा। वायबिलिटी गैप फंडिंग PPP मॉडल का एक प्रकार है जिसमें कुछ पैसा सरकार व कुछ पैसा निजी क्षेत्र लगाते हैं, जिससे निजी क्षेत्र का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। इसी के साथ IT क्षेत्र का विकास भी किया जाएगा। 2019 में भारत नेट परियोजना पूरे होने पर करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। इन विकास लक्ष्यों का तीसरा भाग है इंक्लूजन या समावेशन, जिसके तहत स्वास्थ्य व शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इसके अंतर्गत आयुष्मान भारत योजना पर बल दिया जाएगा, जिसके तहत 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। समेकित चिकित्सा पाठ्यक्रम पर भी जोर दिया जाएगा। 2020 तक 10,000 अटल टिंकरिंग लैब खोली जाएंगी, ताकि स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सके। इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय शैक्षिक रजिस्ट्री बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सभी बच्चों की शिक्षा को ट्रैक किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में भी ग्रामीण क्षेत्रों की तरह किफ़ायती घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी इसमें शामिल किया गया है। इन लक्ष्यों का आखिरी भाग है गवर्नेंस। इसके तहत दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने का सुझाव नीति आयोग ने दिया है। स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देना भी एक लक्ष्य रखा गया है, और विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा। तो यह था न्यू इंडिया 8/75। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप पा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।